जी, आज अगर KC 100 इंडेक्स की हम लोग बात करें, KC 100 इंडेक्स जो है 46,091 पर जो है उसने क्लोजिंग दी, 169.92 जो है पॉइंट्स का जो है मार्केट में इजाफा देखा गया। और आज अगर मार्केट का हाई देखें तो मार्केट ने जो हाई बनाया दैट वाज 46,314। लास्ट टाइम भी हमने कल की बात की थी कि मार्केट कल 46,000 का उसने लेवल क्रॉस किया था, लेकिन वापस 45 के राउंड अबाउट आ गई थी मार्केट। लेकिन आज जो है मार्केट ने 46,000 जो ब्रेकआउट कर लिया था कल, आज मजीद ऊपर चली, 46,314 इसने हाई बनाया। और फिर आखिर लो जो कल का जो हाई था, यानी कल जो उसने क्लोजिंग के करीब करीब जहां पर हुई थी रेजिस्टेंस, वहां पर ही इसने लो लिया 45,922। तो यहाँ पर हमने फिर बाइंग प्रेशर देखा और आखिरकार मार्केट जो है वो ऊपर आ गई 46,091 पर। यहाँ पर जो है हम अगर देखें कि आज के दिन जो है क्या पोजीशन थी लोकल और फॉरेन, तो फॉरेन जितने भी मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर सारे सेलिंग वाले नजर आ रहे हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेलिंग की, इंडिविजुअल्स ने भी सेलिंग की, और ओवरसीज पाकिस्तानी ने भी आज सेलिंग की है। मजीद हमारे लोकल में ब्रोकर फर्म्स ने भी सेलिंग की, कंपनीज ने भी सेलिंग की, और इंश्योरेंस कंपनी ने भी सेलिंग की। लेकिन बाइंग देखी गई बैंक्स की तरफ से, इसके अलावा इंडिविजुअल्स की तरफ से, म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, ये यहाँ पर जो है हमें इनकी तरफ से बाइंग नजर आई, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी हमें सपोर्ट नजर आई। अगर मार्केट के आज एक्टिव मूवर्स की बात करते हैं, इसमें पाक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, लकी सीमेंट, एफर्ट, FFBL, के इलेक्ट्रिक, कैपको, TRG, EFUG, PPL और हेस्कोल, ये मेन जो है आज मार्केट के एक्टिव मूवर्स थे। टॉप कैनर्स की बात करें तो नेस्ले है, सिस्टम है, GATI है, सर्विस, INIL है, पाइनियर सीमेंट है। और अगर टॉप लूजर्स की बात करें तो कॉलगेट, पैकेट, MTL, एबर्ट, PMPK, ICI, पाक सुजुकी मोटर, ये जो है मेन मेन जो है वो लूजर्स में जो है वो शामिल है ये। ठीक है, आप लोगों की तरफ आते हैं, लेकिन इस मैसेज के साथ कि खास तौर पर जो भी हमारे मेंबर्स हैं जिन्होंने हमें न्यू ज्वाइन किया हुआ है, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो आपके साथ एक रिकमेंडेड लिस्ट जो है वो शेयर की गई है, जो जो बाइंग जोन में तो मौजूद है या बाइंग जोन के करीब करीब ही हैं तो आप उनको बाय कर सकते हैं, लेकिन जो स्टॉक्स ऊपर निकल के हैं काइंडली आप उनके अंदर हाथ ना डालें। वक्त के साथ साथ मजीद स्टॉक्स आपको रेफर किए जाएंगे, लेकिन जो ऑलरेडी निकल गए हैं अब वो लेने का फायदा नहीं है। अगर आपने पहले नहीं लिया या हमें लेट ज्वाइन किया था तो आप जो है ना इसका हल यही है कि आप जब नए स्टॉक्स आपको रिकमेंड किए जाएंगे या अभी भी जो बाइंग जोन में रह गए हैं सिर्फ आप वो लें, जो स्टॉक ऊपर निकल गए हैं आप उसको लेने का कोई फायदा नहीं है। वो फिर नीचे आए तो आपका लॉस होगा, लेकिन जो ऊपर वाले हैं उनका तो फायदा होगा जिन्होंने पहले ले लिए थे, क्योंकि अब उनके साथ साथ मैं स्टॉप लॉस भी इनके ऊपर चले जाएंगे तो वो थोड़ी सी फिर प्रॉब्लम हो जाएगी और मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगी कि मैं आपका पोर्टफोलियो देख सकूंगा। जी, यहाँ पर जो है हमारे पास कोशिश करें कि जिस जिसका क्वेश्चन हो नीचे एक ऑप्शन है मोर के साथ, यानी जब मोर पर आप क्लिक करेंगे तो हैंड रेस की एक ऑप्शन आती है, अगर आप उसको हैंड रेस क्लिक कर देंगे तो मुझे इजी हो जाएगा कि आपका कोई सवाल है तो वो मैं इजीली आपका सवाल ले सकूंगा ये। लेकिन जिसका सवाल हो जाए तो वो अपना हैंड लोअर कर ले ताकि क्लियर हो जाए कि आपका सवाल हो गया, अब आपका हाथ जो है वो नीचे आ गया ये। जी नहीं, अहमद साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सबसे पहले। नहीं अहमद साहब, जी सलाम जनाब। वालेकुम सलाम सर। सर मैंने आज ASTL खरीदा है 49.25 में और कैपको 35.90 में कर लिया था मैंने। कल आपसे बात हो नहीं सकी, आज मैंने कोसोम के लिए लगाया 44 रुपये पे, लेकिन वो हिट नहीं हुआ, 4.10 पे बंद हो गया। तो कोसोम जो है मैं कल ले सकता हूँ 4.10 पे या 4.15 पे। सर पहला सवाल तो मेरा आपसे यह है कि आप माशाल्लाह से इतने दिनों से मेरे साथ ज्वाइन किया हुआ है, आपने अमरेली स्टील मैंने काफी दिन पहले जो है वो हम कह रहे थे यहाँ पर रुका हुआ है, ये बाइंग जोन है, ले लें उसको, आज वो चला आप उसके पीछे भागना शुरू हो गए। कौसम की कई दफा बातें हो चुकी थी, 80-90 पर रुका रहा, हमने कहा आप ले लें, हमने लिस्ट में भी उसको शामिल किया, आप लेट हो गए, अब वो चलना शुरू हो गया, अब आप उसके पीछे बढ़ गए। तो काइंडली कोशिश करें, आप हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर बंदे हैं, आप इस तरह करें जो भी बाइंग जोन में होते हैं उसी टाइम ले लिया करें, जब तेज हो जाए तो सर मैं फिर तो मुश्किल हो जाती है ना। मैं असल में लेट आया ना सर, 6 तारीख के बाद तो मैंने ज्वाइन किया और तो मैं ले नहीं सका, कुछ पैसे अरेंज किए फिर मैंने डाले, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो आपने देखा था मेरे सारे पैसे फंसे हुए हैं उसी में, जी और मैं अभी अभी सेल भी नहीं कर सकता, आपने कहा उससे सेल नहीं करना है, अभी रखे इसे, चले इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया। बहरहाल जो है कोई नेक्स्ट न्यूज, टाइम इंशाल्लाह। जी, कोसम जो है आप 4 पे 4 पे 10 पैसे के दरमियान भी उसको ले सकते हैं, लेकिन अगर 3 रुपए 80 पैसे 9 पर लेते तो मुझे उसकी ज्यादा खुशी होती। तो बहरहाल ये भी इसका एकोमोडेशन जोन है,
लेकर फिर आपने एकदम इसको बेचना नहीं है इंशाल्लाह। जब ये 4 रुपए 40 पैसे से ऊपर क्लोजिंग देगा जब भी, तो इंशाल्लाह हम 7 रुपए 8 रुपए पर इसको आराम से जाते हुए देखेंगे, हो सकता है ये 12-13 पर भी चला जाए। फिर सर सर के मुताबिक मुतालिक भी बता दें, आज 265 या 66 पे बंद हुआ है। सर ये है ना सरले, आप बिल्कुल आंखें बंद करके इस रेट पर इसको ले सकते हैं और बिल्कुल इसके स्टॉप लॉस की भी आपने टेंशन नहीं करनी, ले रहे इस रेट पर। लेकिन ये ना हो कि आप कहेंगे जी हफ्ते बाद ये अभी ऊपर नहीं जा रहा, अभी रुका हुआ है, फिर 1 रुपये नीचे आ गया, इसकी टेंशन नहीं लेनी फिर आपने। ठीक है, लेकिन आपके बाइंग जोन से निकल गया है सर वो ना। सर अभी भी ले रहे हैं इंशाल्लाह, ये जो ही 300 रुपये से ऊपर क्लोजिंग जब भी इसने दी तो ये 500 रुपये आपको जाता हुआ नजर आएगा। ये बहुत अकोमोडेट कर रहा है, यहाँ पर बड़े बड़े बायर हैं इसके पीछे। चले ठीक है सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। वेलकम वेलकम। हाँ जी नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन। जी जी अहमद हुसैन साहब, आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर जी वो देखा हमने कौसम को, देखा कि उसने अपने शॉर्ट टर्म टारगेट को टच किया तो वो पीछे भाग गया, तो इसी तरह वो गनी ग्लास ने आज टच किया तो वो भी पीछे बाउंस बैक हो गया। तो फिर इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि जो जो शॉर्ट टर्म को टच करे तो वो फिर उसको मतलब सेल करके प्रॉफिट टेकिंग करके फिर वापस आके फिर वो दरीसा वाली बात कि उसका गोला बना के तो फिर उसको परचेज कर ले, जैसे वो पीछे हर स्टॉक ऐसे ही करेगा या कि फिर रहने दे। ओ सर जी, उसने जब स्टॉप लॉस अपना यानी कि शॉर्ट टर्म को उसने तोड़ा तो उसका मतलब है उसने ब्रेकआउट लेवल जो है ब्रेक कर दिया, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस थी वो उसने ब्रेक कर दी है। तो जब शेयर जो है वो 2 कदम पीछे हो जाए तो हमें जो है वो हथियार ही डालने चाहिए, हो सकता है 2 कदम पीछे होकर जब वो झपटा मारेगा तो वो बहुत जबरदस्त झपटा होगा ये, तो इसलिए आप बिल्कुल इसकी टेंशन ना लें। थोड़ा सा वो नीचे आप पीछे आया तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये बिल्कुल ऊपर निकल जाएगा ये, तो पोजीशन ही छोड़नी ठीक हो गया, पोजीशन ही छोड़नी है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गए अनिल भाई, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। वेलकम जी। डॉक्टर साजिद साहब सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। एक मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इदरीस साहब को पहले ले लिया करें, वो बड़ा अच्छा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हमारे लिए जो है वो बड़ा बेनिफिशियल होगा। सर वो ना हमें ये 40 मिनट बोले का मौका ही नहीं मिलेगा, वो 40 मिनट ही लगा देंगे तो फिर आप सारे चुप रह जाएंगे, वो आखिरी 5 मिनट देते हैं उनको। आप एडमिन है, आप बेहतर समझते हैं। अच्छा दूसरा ये है कि ये मार्केट का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप, क्या ये 2020 के मिड के लेवल को टच करेगी, बॉटम पे आएगी या आगे एक्सेल ही करेगी? सर अल्लाह करे, हम तो ये कहते हैं कि ऊपर ही जाए, नीचे आने वाली हम बातें ही ना करें, तो इंशाल्लाह मार्केट बहुत अच्छी है, मार्केट ने जाना है ऊपर अब। अच्छा आपका रिकमेंडेड था बाइफो, मैंने ले लिया है, तो इसका जरा फ्यूचर तो बताएं जरा। हाँ सर मैंने इसके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट दिए हुए, आप उस स्थिति ले लेते 156 पर तो मुझे ज्यादा खुशी होती है, वो ऊपर थोड़ा सा निकल गया तो मैंने 158 पे मैंने ले लिया। हाँ चले बस, अब आपने इसको होल्ड रखना, जो टारगेट्स दिए हुए इंशाल्लाह वो अपने टारगेट को जरूर अचीव करेगा। चले मेहरबानी जी। ठीक है जी जी अब्दुल रहमान, में कल आपका सवाल नहीं ले सके, आप पूछे जल्दी जल्दी सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर वो कल भी सर दरीज साहब ने मुझसे जो है मुझे मशवरा दिया था, बल्कि एक इलेक्ट्रिक के बारे में बात की थी, मैं कुछ बात ऐड करना चाहता हूँ। सर दरीज साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये चीजें होती हैं ओवर, मैंने कुछ ज्यादा ओवर बैंक कर रही थी, लेकिन आज हुआ ऐसे कि पहले जब इसने 457 को टच करके वापिस आया और फिर मुझे जो है ना पैनिक था, हुआ मैंने कहा अब निकल जाऊँ यहाँ से, तो वो नीचे था तो मैंने उसको ना 455 पर लगा दिया था, तो वो 435 से अचानक 458 पर टच किया और 55 पर मैं निकल चुका था, तो उसमें मैंने ना यानी कि ऐसे समझे कि 10 से 12 लेग तक का मैंने प्रॉफिट निकाला है, तो आप अंदाजा लगा दें तो कितनी हैवी बाइंग होगी। और बिल्कुल इनका मशवरा मेरे लिए बेहतर था, मैंने इस पर सोचा फिर, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ऐसी गलती नहीं होगी, तो आप सीनियर है हमारे, इस तरह से अगर मशवरे देते रहेंगे तो इंशाल्लाह हम ठीक चलेंगे। और सर दूसरी बात यह कि मेरा एक सवाल है छोटा सा कि मैं जो है ना ओवर बाइंग कर लेता हूँ और पेशेंस नहीं है, यानी कि अगर कोई ट्रेड डालता हूँ वो स्टॉक अगर थोड़ा सा नीचे आता है तो उसमें से मैं निकल जाता हूँ, यानी कि पोजिशन को रखता नहीं हूँ, तो इस पर मुझे जरा सा थोड़ा गाइड कर दें। सर इस पर मैं आपको क्या गाइड करूँ, आप पेशेंस रखें ना, जब स्टॉक लिया पहले तो कोशिश करें जो स्टॉक ले रहे हैं सोच समझ कर लें, आप उसके अंदर हार डाल रहे हैं, ये 10 दफा सोचा करें मैं ये स्टॉक क्यों ले रहा हूँ, कि इस रेट पर मैं ले रहा हूँ ये ठीक है या नहीं है,
तो जब आप पूरा उसको फंडामेंटली चेक करके लेंगे स्टॉक को, फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगी। अगर ऐसे ही ले लेंगे तो फिर जारी बात है वो टेंशन होगी आपके लिए ना। जी जी शुक्रिया सर। जी जी अमार भाई आप अपना हैंड डाउन कर लेना, आपका क्वेश्चन हो गया। जी रोमी भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सलाम काजी साहब। काजी साहब एक तो बलूचिस्तान ग्लास ये मेरे पास पुरानी होल्डिंग है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। कल इसने कैप भी किया था परसों, और दूसरा ये है कि आज एक लिस्ट शेयर की थी मरवर साहब ने, तो उसमें जो हम नेटवर्क है उसके में नए बाइंग लेवल्स दिए हुए, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप थोड़ा मुझे रोशनी डाल दीजिए प्लीज। सर उनकी जो स्टडी है ना वो समझे वो तो आउटस्टैंडिंग है ना, उन्होंने अगर रिकमेंड किया हुआ है तो बस वो समझे जबरदस्त है, उन्होंने जारी बात है सारे इसको देख कर ही किया होगा। बहरहाल हमने उससे तकरीबन 46-47% प्रॉफिट कमा लिया, मेरा ख्याल है इतना ही बहुत है हमारे लिए। तो बहरहाल अगर आप लेना चाहें तो आपकी मर्जी है, वो भी कोई इसमें जरूर अगर जो उन्होंने टारगेट बताए उसको भी वो जरूर अचीव करेगा ये मजीद। ठीक, और दूसरा BGL वाला बलूचिस्तान ग्लास का बताइए, मुझे पुरानी होल्डिंग है उसमें से निकलना चाह रहा हूँ। सर अभी क्या किस रेट पर लिया हुआ आपने? मेरी 8 रुपए की बाइंग है उसकी। हाँ जी थोड़ा सा वेट करें ना, अभी तो ऊपर चला गया मेरा ख्याल, अभी नीचे ही है, 8 से ऊपर जा रहा है फिर थोड़ा नीचे आ रहा है जी 7.89 पर है। बहरहाल जो है ये ग्लास की जो है फिलहाल ये सारे ग्लास ऊपर ही जा रहे हैं, अभी थोड़ा सा आज डाउन हुए जैसे GGL और GG ये सारे ही थे, थोड़ा सा वेट करें इंशाल्लाह ये आपको दे जाएगा प्रॉफिट वगैरह, प्रॉफिट पर सेल कीजिएगा, लॉस में ना आपने इसको बुक करना है ये। ठीक ठीक जजाकल्ला। हाँ जी हाँ जी मंसूर अली साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, काजी साहब थैंक यू। भाई साहब एक सवाल ये था कि आपने जो लिस्ट शेयर की हुई है इसमें टेक्सटाइल के जो शेयर्स हैं ज्यादातर या तो अपने शॉर्ट टर्म टारगेट अचीव कर चुके हैं या बाइंग रेंज से बहुत बाहर निकल गए हैं, तो इसमें अगर कोई ऐसा कोई एडिशन या अभी भी आप जैसे आपने सर्ल की रिकमेंडेशन दी आपने कहा जी बेशक बाइंग जोन से निकल गया लेकिन इट कैन स्टिल बी बॉट, तो सिमिलरली अगर आप इस लिस्ट को थोड़ा सा दोबारा आप रिव्यू करके ये बता देंगे उसमें प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए। और दूसरा मेरा सवाल कैपको के हवाले से था कि उसमें अब हम रिसेंटली देख रहे हैं काफी फ्लक्चुएशन वगैरह आ रही है, वॉल्यूम में भी डिप आ रही है, तो उसको शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए फिलहाल अभी भी रखें? सर कैपको को लॉन्ग टर्म में देख रहा हूँ, साल बाद साल तक वो इंशाल्लाह अपने टारगेट्स के ऊपर ही होगा, खबरें उनकी अच्छी हैं, जो ही इनके IPOs के जो जो मसले हल होते जा रहे हैं जो जो इनकी खबरें आती जाएंगी, पहला कैपको ही जिसने जो है ना ऊपर जाना है ये, तो कैपको की पोजीशन आपने फिलहाल छोड़नी नहीं है ये ना, आप इसको लॉस नहीं करना अगर थोड़ा सा नीचे भी आ गया ये। बहरहाल इसको रखें इंशाल्लाह 2-4 महीने देखें फिर आप खुद अंदाजा लगा लेंगे ये किधर जाता है। तो बहरहाल जो आपकी दूसरी जो क्वेश्चन है मैं कोशिश करूँगा नए नए स्टॉक्स को और भी निकालूँ आपके लिए, जो खास तौर पर नए मेम्बर्स आए हैं जिन्होंने हमें लेट ज्वाइन किया हुआ है, बहरहाल फिलहाल जो है ना उस पर काम करके आपको बताऊंगा ये मैं। ठीक है हाँ जी इसके बाद जो है नेक्स्ट पे जी अली इजाज भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अब्दुल रहमान भाई आप हेड कॉल कर लेना। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर ऐसा था कि थोड़े से पैसे पड़े थे तो आज कोई बर्जर की न्यूज आई है कि इनको कोई नया पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट मिले, तो यहाँ पे इसकी बाइंग बन सकती है थोड़ी सी कि कह रहे हैं कि इसने अब तेजी करनी है। सर हम तो मैं तो कब से अब पीछे पड़ा हुआ था इसको ना छोड़े कोई भी ना छोड़े स्टॉक्स को, लेकिन रुका हुआ था कोई देखता नहीं था इसको, आज माशाल्लाह ऊपर चढ़ गया है और मजीद ऊपर फिलहाल यहाँ पर हो सकता है रुके थोड़े टाइम, अगर 100 रुपए से नीचे आपको मिलता तो दोबारा ले लें बेशक इसको। चल ठीक है ठीक। हाँ जी शुएब साहब है सर आपको अनम्यूट करो। शुएब साहब जी सलाम। वालेकुम सर ये बताइएगा सर लोड्स को मैं देख रहा था कि लोड्स एक दिन में जो है वो 6 रुपए गिर गया था, ये कैसे मुमकिन है, ये कौन सी परसेंटेज थी? हाँ सर ये परसेंटेज नहीं है, शायद उसने राइट दिया होगा ना तो एक्स हो गया होगा अपने राइट पर जिस वजह से वो नीचे ओपन हुआ ना। ओके ओके ठीक है, तो ये है कैसा सर इसको रिटेन करना चाहिए? हाँ सर फिलहाल जो है ना ये लॉस में जा रही है कंपनी, जब तक प्रॉफिट में ना जाए हम उसको रिकमेंड नहीं करते। ठीक है सर थैंक यू थैंक यू। हाँ जी वेलकम। हाँ जी अब्बास हसन साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। जी कोशिश करें बोले। सर आपके माइक का मसला है शायद, आप आवाज नहीं आ रही फिलहाल, आप बाद में आपको कोशिश करता हूँ दोबारा।
हाँ जी वजी बुखारी साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप काफी दिनों से आप सुनते ही थे, कुछ कहते नहीं थे, आज आप ही आ गए माशाल्लाह, वेलकम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी काजी साहब, मैंने सिर्फ ये पूछना था, PIBTL की मैंने अपने ब्रोकर से चेक किया, वो कहता है जी 15 तक जाएगा, जबकि कोई मेरे ख्याल है अपना सनाउल्लाह मरवत साहब कहते हैं कि ये इससे भी ऊपर जाएगा 17 तक, आपकी क्या ओपिनियन है? हाँ सर, PIBTL तो ऊपर जाएगा, ये कि बिल्कुल ठीक है ये स्टॉक, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा ये, आपने फिर बोर नहीं होना, ये ना आप कहेंगे जी आज क्यों नहीं जा रहा, महीना हो गया जा नहीं रहा, जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन हो सकता है टाइम लेगा, 17-18 पर इसने लाजमी जाना है। थैंक यू जी। जी वेलकम। हाँ जी नेक्स्ट पेज से हम ले लेते हैं क्वेश्चन। हाँ जी मुजफ्फर हुसैन साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। मुजफ्फर हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने एक स्टॉक रिकमेंड किया था डे ट्रेडिंग के लिए, तो वो आपकी रिकमेंडेशन पे लिया, तो उसमें जो है ना 2.5% जो है वो प्रॉफिट हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया। और सेकंड ये कि मैंने स्टॉक्स लिए हुए हैं PPL के और कैपको है मेरे पास, तो ये मेरे पास इसके अलावा जो है अभी मैंने अकाउंट में कुछ और पैसे डाले हैं जिसमें मैं और स्टॉक लेना चाह रहा हूं, तो अभी ये PPL जो है ये जिस रेट पे मैंने लिया था 99.95 पे लिया था, तो अभी ये कम जा रहा है, PPL लेना चाहिए या कोई दूसरा स्टॉक जो है वो आप रिकमेंड करेंगे? सर PPL ले लिया ना, बस कोई और स्टॉक लेना, एक ही स्टॉक बार बार ना ले उसको ना, तो कोई और स्टॉक देख ले, टेक्सटाइल सेक्टर का कोई स्टॉक देख ले जो लिस्ट में शामिल है, उनमें से कोई भी स्टॉक उठा ले जो बाइंग जोन में हो या उसके करीब हो, तो वो ठीक है आपके लिए। ये जो आपने लिस्ट में जो प्राइस जो लिखी हुई है उसमें जो भी स्टॉक्स अभी अवेलेबल हैं वो 1 रुपए ज्यादा में आ रहे हैं, कोई मतलब लेस में नहीं आ रहा? सर अगर कोई बड़ा स्टॉक है 1 रुपए ऊपर है तो इसकी कोई फिक्र की बात नहीं है। आप अब कितने पैसे हैं आपके पास? अभी मैं तकरीबन 1 लाख तक जो है करना चाह रहा हूँ। 1 लाख में जो है ना आप कोशिश करें कि ये जो सरले कंपनी है इसके 300 शेयर आ जाएंगे, आप इसके 300 शेयर ले लें, बस लेके रख लें बस। इसमें सर 300 की ऑप्शन है, कुछ ऑप्शंस होती हैं मतलब 500 से कम नहीं ले सकते? सरले आप 300 शेयर ले सकते हैं, बस ये ले लें और बस इसको तिजोरी में बंद कर दें, फिर आपने खोली नहीं है फिलहाल इसको। ओके ओके थैंक यू सर जी। जी नेक्स्ट में हमारे पास जी अब्दुल अजीज साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हैंड रेस की ऑप्शन है, कोशिश करें जिसका सवाल है वो हैंड रेस साथ करें अपने ताकि मुझे पता चले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। असल में कुछ बुनियादी सवाल है, असल में न्यू मेंबर भी हूँ और बस स्टॉक मार्केट में कुछ ज्यादा तजर्बा भी नहीं है, तो ऐसा है कि ये पोर्टफोलियो जो है वो कैसे मैनेज किया जाए? आप तकरीबन मैं समझता हूँ कि अगर फर्ज करें 30 अगर लिस्ट में आ रही हैं कंपनीज, अब 30 में से अब बंदा सारी तो बाय नहीं कर सकता सर, पैसे कितने आपके पास? चंद मखसूस कर सकता है तो पैसे वो पैसे कितने आपके पास? 3 लाख तक सर। 3 लाख में आपने एक ही कंपनी लेनी है बस, 3 लाख में सिर्फ एक कंपनी बस, पोर्टफोलियो में एक ही कंपनी रखनी है, ये नहीं है कि आपने दुकान ही खोलनी उसकी। यही प्रॉब्लम होता है मेरे साथ ना, मैं खुद 2-4 ले लेता हूँ फिर, या फिर वो ज्यादा लो तो प्रॉफिट भी नहीं हो सकता ना, बंदा कुछ उठा सकता है ना कोई। सर 3 लाख में आप मेरी रिकमेंडेड लिस्ट में कोई सभी एक स्टॉक उठा ले, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, ये ना देखें, कोई सभी एक स्टॉक उठा ले और उसको रखे, इंशाल्लाह आपको बेपनाह फायदा होगा ये। और सर एक सवाल छोटा सा और भी है, बुनियादी सवाल है कि जैसे आपने कोई वीडियोस बनाई हुई है, ये बुलिंजर बैंड है, RSI है, MACD मुख्तलिफ हैं, इसके अंदर अगर हम कोई चार्ट पे चेक करना चाहें तो एक वक्त में कम से कम कितने ये अप्लाई करें तो बंदा कोई उसमें कोई समझ सकता है इस चीज को कि इसका चार्ट कैसे? जी सर जी जी, इस चार्ट को कम से कम आप इसके अंदर 10-15 स्टॉक डालें, उनकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करते जाएं, एक कम से कम 15 दिन लगातार ये चेक करते जाएं, स्टॉक्स को डालें, अगले दिन उसकी मूवमेंट देखें क्या पोजीशन है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आना शुरू हो जाएगी फिर क्या पोजीशन है। आप ये टूल्स कितने अप्लाई करें एक वक्त में ना, मतलब ये मुख्तलिफ हैं, ये RSI भी है, MACD भी है, मूविंग एवरेज भी है, सबको अलग अलग डालें, फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कौन सा टूल ज्यादा इफेक्टिव है वो आपको यूज करना चाहिए। अच्छा ठीक है चलें सर। और एक सर बस आप जमील साहब को अनम्यूट कर रहा हूँ सर, टाइम जरा शॉर्ट है इसलिए थोड़े थोड़े सवाल जी। सर बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम जी।
जी जी मेरा तो दूसरा मेरा कोसम लिया हुआ है, कोसम के बारे में जरा बताए के वो ऐसे सर कोसम की कोई टेंशन ना लें, कोसम बहुत जबरदस्त स्टॉक है, कोई स्टॉप लॉस की इसकी टेंशन ना लें, इंशाल्लाह सफर करेंगे, उसका फल बहुत मीठा मिलेगा, छोड़ ही नहीं आपने पोजीशन इसकी। ओके जी थैंक यू। अगर और भी पैसे हैं तो और पैसों से भी कोसम ले लें, जितने पैसे हैं सब के कोसम ले लें, इंशाल्लाह आप खुश हो जाएंगे फिर। अच्छा जी 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 शाह मोहम्मद साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आई थिंक वो कहीं उधर उधर ही देख रहे हैं। चले नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन। हाँ जी मुसद्दक अहमद साहब है सर, आपको अनम्यूट करो। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी सर बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों की गुफ्तगू सुन के, बड़ी इंफॉर्मेटिव चीजें। जी मुसद्दक साहब सर आप अपने आप को अनम्यूट करें। अच्छा जी चले मैं वापस आ गया। अच्छा अभी मेरे तो खैर मैं नया ज्वाइन करना चाह रहा था स्टॉक में, मैंने मरवत साहब को पेपर्स वगैरह भी भेजे हुए क्योंकि मैं ओवरसीज हूं तो टाइम थोड़ा लग रहा है, लेकिन होपफुली इस वीक के एंड में आ जाएगा। तो मैंने आपसे जो मशवरा करना था ये था कि मैं तकरीबन इनिशियली कुछ 10 लाख के करीब इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द शेयर्स जो है ना आपकी लिस्ट में वो मतलब बाइंग जोन से निकल चुके हैं, तो अब ये इन 10 लाख में मैं कितने शेयर मतलब कितनी कंपनीज ले लूं, 3-4-5 इस तरह क्या रेकमेंड करते हैं सर? 10 लाख में सिर्फ 2 या 3 कंपनीज आपने लेनी है, जो ही आपके पैसे अकाउंट में आ जाएंगे तो आप एक दफा मुझसे पूछ लीजिएगा कि मैं कौन से शेयर ले लूं बस। चले ठीक है मेरा यही सवाल था, जजाकल्ला सर। चले थैंक यू जी। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन। जी ईशा मोहम्मद साहब आप बोले, आप अनम्यूट करें आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले आपने शायद काजी साहब किया लेकिन आवाज बिल्कुल नहीं आई, कोई आवाज नहीं आई, आवाज में खलल आ रहा है। मैं सिर्फ ये इसके बारे में पूछता हूँ ये गुल अहमद का, ये किस तक हम ऑर्डर रखें, किस तक रखें? अभी वो पहला जो टारगेट आपने दिया था वो तो लगता है। जी जी आवाज पे थोड़ी सी आई थिंक मेरे नेट का इशू है या आपके नेट का इशू होगा। तो बहरहाल जो है आपने इसको बेचना नहीं है, ये अभी तेज हो गया है, हो सकता है हम इसका जो अगला लॉन्ग टर्म टारगेट है उसको मजीद आगे ले जाए। ये रखने वाला स्टॉक है, इसको आपने बेचना नहीं है। ये आई थिंक उनके नेट का इशू है। बहरहाल जब वीडियो रिकॉर्डेड आएगी आप उसमें इसका आंसर देख लीजिएगा। यानी गुल अहमद को आपने बेचना नहीं है। बार बार मैं आपसे कहता हूँ खुदारा जो भी मेरे आपको बताए हुए स्टॉक्स उनको जल्दी जल्दी ना बेचें, थोड़ा सब्र करें, 40-50% आपको प्रॉफिट होगा उनमें से और तभी आपको मज़ा आएगा सही करके। इसलिए आपको मैं बार बार ट्रेन कर रहा हूँ कि हौसला रखा करें, प्रॉफिट जब ज़्यादा मिल रहा है तो थोड़ा क्यों ले रहे हैं, ये जब पूरी कढ़ाई मिल रही है तो दो नवारे लेकर क्यों भाग रहे हैं आप, जो है ना पूरी कढ़ाई खा के जाइए। जी जुल्कार अली साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, वेलकम भी करता हूँ आपको। जी अस्सलाम वालेकुम नबील साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नबील साहब दो छोटे छोटे से सवाल हैं। एक किसी टाइम पे 8-9 महीने पहले एक स्टॉक आया था ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक के हवाले से नाम से TRIBL, वो मैंने जो है वो जमाने में बड़ा ऊपर नीचे हो रहा था तो मैंने कुछ उसके जो है स्टॉक्स ले लिए थे। उसके बाद से जो है वो बंद ही है बिल्कुल, ना उसमें कोई मूवमेंट है ना ओपन होता है, कोई 8-9 महीने से ऐसे ही पड़ा हुआ है मेरे पास। तो एक तो वो उसके बारे में बता दीजिएगा कि उसको अब उसको कैसे उससे जान छुड़ाई जा सकती है। TRIBL नाम था उसका शॉर्ट फॉर्म जो था। और दूसरी ये कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो है वो कोई हलचल नहीं है, सब ठंडी पड़ी हुई है, तो इनकी क्या खास वजह? सर पहला जो क्वेश्चन है ना, पहला जो आपने पूछा ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक, आप यही समझ लें कि आप कहीं जा रहे थे किसी ने रास्ते में आपकी जेब काट ली, आप जो है ना वो गए पैसे, उसकी तो बस आप टेंशन ख़त्म कर देंगे, अब वो मिलेगा नहीं बंदा जिसने जेब काट ली है वो गए। इसलिए कोशिश क्या करें, जो भी डिफॉल्टर्स कंपनी है उनके अंदर स्टॉक ना डालें, आपका पैसा सारा डूब जाएगा, कंपनी बंद पड़ी हुई है ये।
दूसरा जो क्वेश्चन आपका ऑटोमोबाइल सर, मसला ये कि महंगाई इतनी हो गई है और जो है ना जो लोगों की गाड़ियां लेने की कैपेसिटी है वो काफ़ी कम हो गई है, काफ़ी इनके प्लांट्स बंद हो चुके हैं। हुकूमत भी कह रही है कि अब हम पेट्रोल वाली गाड़ियां ख़त्म करके अब बैटरी वाली गाड़ियां लेकर आएंगे। इस वजह से भी इन सारी कंपनीज को जो है वो डर लगा हुआ है, इनके काम रुके हुए हैं, बड़ा टेंशन में ये सारा ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो जब ये सारे इनके मसले हल होंगे और ये कंपनी प्रॉफिट में जाएंगी तब जाके ये ऊपर चलेगी। बहरहाल फिलहाल इन सारी कंपनी से दूर है जब तक ये प्रॉफिट शो नहीं करती अपना। ठीक हो गया जी। बस सर गौरी साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर दो क्वेश्चन थे, एक तो मैंने एक शॉर्ट कर दी है तो वो है LOTCHEM। आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी लॉर्ड कैम्प को क्या आपने शॉर्ट किया इसको? जी सर मैंने शॉर्ट किया है इसको फ्यूचर में। हाँ जी, कुछ सोच कर ही किया या वैसे ही बस आंख खुली और शॉर्ट कर दिया? बस सर नया नया अकाउंट तजर्बे कर रहा था तो मैंने से शॉर्ट किया। थोड़ी क्वांटिटी है, ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मुझे थोड़ा सा इसका बता दें। हाँ सर कोई नहीं मसला, लॉर्ड कैम का भी वैसे भी है। कितने पर शॉर्ट किया था आपने इसको? मैंने सर इसे 16.46 पे किया शॉर्ट। हाँ चले अभी सोलर पे 43 है ना, तो थोड़ा सा और नीचे है तो बाय कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा हिसाब किताब। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। हाँ जी वेलकम। जी नेक्स्ट ले लेते हैं सवाल, हमारे पास है जी अल्ताफ भाई। सर आप भी, आपका हैंड रेज है सर, सॉरी आपको लिया नहीं है मैंने पहले। मैं तेरा गाड़ी रोक लूं मैं। अच्छा गाई साहब, पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि हम नेटवर्क ये इसकी क्या आप सजेस्ट करेंगे, इसको स्टिल होल्ड करूंगे नहीं? हाँ सर हम नेटवर्क अगर अभी है आपके पास तो इसको होल्ड रखें, इंशाल्लाह ये मजीद इसके ऊपर जाने का चांस है, 12 तक ये जाएगा। मैंने जल्दी प्रॉफिट टेकिंग इसलिए करवाई कि बस 46-45% ये बहुत है प्रॉफिट, अभी नीचे आ गया फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। बहरहाल अगर आपके पास है तो उसको होल्ड रखें, इंशाल्लाह ये मजीद इसके ऊपर जाने के भी चांस है। अच्छा, क्योंकि आज वो मरवा साहब को मैसेज आया था ना कि इसको 8-4 पे निकाल के 7 फिर बाय कर लें दोबारा ना, तो मैंने कहा आपसे भी इसका पूछ लूं। हाँ जी सर, वो जिस तरह गाइड करते हैं वो मेरे भी उस्ताद हैं, वो बिल्कुल सही कहते हैं, उनकी बहुत जबरदस्त रिसर्च वर्क है, इंशाल्लाह जिस तरह वो कहते हैं वैसे ही होता है। अच्छा दूसरा ये है कि मैंने उनके पास आज अकाउंट ओपन कराया, अपना बच्चा मैंने वहाँ पे, जब मैं तो बाहर होता हूँ ना तो मैंने छोटे अकाउंट खुलवाए और छोटे मतलब 5-7 लाख से ना, चलो उसमें मौजूद में मतलब प्रोग्राम बड़े अकाउंट गए तो वो मैं आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा कि उसमें क्या बाइंग कैसे की जाए ना, पोर्टफोलियो में मैनेज करना। हाँ सर, जो पहले ब्रोकर के पास आपके शेयर्स पड़े हुए आप सिर्फ एक ईमेल करेंगे वो सारे मरवा साहब के पास ट्रांसफर हो जाएंगे, आपके लिए फिर काम इजी हो जाएगा, तो आप उसमें ट्रेडिंग कीजिएगा फिर। अच्छा नहीं, ये मैंने नया खुलवाया है, मेरा तो बीएमए में ऑलरेडी है ना पिछले 10-12 साल से बीएमए में। सर बीएमए को सिर्फ आप एक ईमेल करेंगे आपके सारे स्टॉक स्क्रीन में चले जाएंगे, वो आपके लिए फिर एक स्टॉक रखना इजी हो जाएगा, बीएमए बंद नहीं होगा, इजी हो जाएगा। बीएमए में 5,000 रुपया रहने दें, बाकी सारे इधर स्टॉक्स ट्रांसफर कर दें, एक ही जगह पर फोकस करेंगे तो आपको फायदा होगा फिर। अच्छा चलिए ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू जी। हाँ जी सिराज भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर मैं आपसे ये सवाल है कि ये आप कहते हैं ना बाइंग, इस कंपनी में इतनी बाइंग हुई है या इसमें इतनी एक्युमुलेशन हुई है, ये कैसे पता चल सकता है? हाँ सर, ये उनके नीचे वॉल्यूम्स होते हैं ना, कोशिश करें वो जो कैंडल वाला मैंने समझाया हुआ investing.com में जो कैंडल्स वगैरह समझाई हुई है आपको ब्लिंजर में, अगर आपको याद हो, अगर आपने वीडियो देखी हुई हो तो जहाँ ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रही है इसका मतलब है वहां पर बाइंग हुई है ये। अच्छा, तो दूसरा ये बता सर, बस एक ही सवाल पूछे, टाइम जरा शॉर्ट है, मैं आगे किसी का सवाल ले लेता हूँ। जी नेक्स्ट हमारे पास है इधर, जी यहाँ पर कोई हैंड रेस थे हमारे। जी सैयद जवाब साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाजी साहब। जी वालेकुम सलाम। गाजी साहब ये एवियन और टीआरजी है थोड़ा सा मेरे पास, इसको होल्ड रखना है या भेज दें? जी अभी तो वो तेज हुए हैं ना, फिलहाल होल्ड रखें, प्रॉफिट में नहीं आए अभी तक आपके? आ गए थोड़े से आ गए। बस उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएं जहां पर आपने खरीदे हुए, ताकि वो फिर दोबारा नीचे ना चले जाए लॉस में आपके ना, तो इसलिए होल्ड रखें फिर इनको। और ये PRL होल्ड रखना है ना 25-50 की बाइंग है? इसमें और इजाफा करना चाहे कर दें, ये जब तेज हो जाएगा फिर आप कहेंगे कि मैंने क्यों इसको छोड़ दिया था, ये टारगेट जो बताए हुए ये 60-70 का इसका टारगेट है, 45 फिर भी मैंने लिखा हुआ है, इंशाल्लाह इसको तो जरूर जाएगा ना ये, मतलब इसको और लेते ना।
हाँ सर बिल्कुल, बाइंग जोन में, एक्युमुलेशन में है, पीआरएल, मेपल लीफ, मेपल भी आज तेज हो गया, अमरेली भी तेज हो गया, ये सारे एक्युमुलेशन में देना आप, कोशिश करें जो कहा जाता है उनको ले लिया करें बस। ठीक है, थैंक यू भाई साहब जी। अजहर शफीक साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम कैसा। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी कैसा, मेरा सवाल ये है कि मैंने ये गुल अहमद काफी देर से लिया हुआ था, 42 से शुरू किया था, फिर नीचे एवरेज करते करते तकरीबन वो 37-50 पे मेरी एवरेज बनती है, 22,000 शेयर है जी। तो अभी दो महीने तो स्टक रहा है, अभी आज अल्हम्दुलिल्लाह लॉक लगा है, तो मशवरा दे दे कि इसको अब सुबह लॉक खुले तो इसको बेच दे, 22,000 के करीब पड़ा हुआ शेयर। सर और दूसरा ये पता करना है आपसे कि 20 लाख मजीद इन्वेस्टमेंट आज मैंने करना चाहता था जी। जी हाँ सर, इस तरह है ना कि जी कैसा 20 लाख मजीद। जी जी मेरी बात सुन लेना जी। जी हाँ जी सर, इस तरह है ना, जो गुल अहमद है उसको आपने बिल्कुल भी नहीं बेचना, अगर मजीद इसके स्टॉक का भी तो थोड़ा ऊपर चला गया, बहरहाल अभी आपने इसको बेचना नहीं है, ये जब 50 रुपए तक जाएगा फिर आपने मुझसे पूछना है कि आप इसका क्या करना है, ये इसको बेचना नहीं है आपने। और अगर 20 लाख रुपए आपके पास तो ठीक है सर। जी जी 20 लाख रुपए में आपके 7-8 हजार जो है वो सनले के स्टॉक तो आप वो ले ले आप। सर आवाज आई आपको? ठीक है। और बाकी जो स्टॉक आपने जो लिस्ट भेजी है वो ऊपर चली गई है, जैसे बर्जर। हाँ जी मैं कह बर्जर वगैरह और कच्ची इलेक्ट्रिसिटी, तो ये तो काफी ऊपर चले गए हैं, तो बाकी स्टॉक भी काफी ऊपर चले गए हैं, तो इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए ना अभी मौजूदा रेटों पे। जी जी सर ऊपर चले गए हैं फिलहाल, उनके अंदर बाइंग ना करें, जब वो नीचे थे बार बार आपसे कह रहे थे ले लें। बहरहाल जो है ना वो आपसे कह रहे हैं वो फार्मास्यूटिकल की कंपनी है सर, ले वो ले लें बस, 265 रुपए पर है, 20 लाख के आपके 8,000 शेयर आ जाएंगे, 7,000 बस वही ले लें, और ज्यादा स्टॉक ना ले इतने ज्यादा। ओके जी, ओके जी, ओके जी। हाँ जी नेक्स्ट हम ले लेते हैं। हाँ जी जी मुजफ्फर भाई है सर, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। काजी साहब मेरा सवाल यह है कि कैपको मैंने आज लिया है 3690 के ऊपर, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, क्या ये मैंने ठीक लिया है, और दूसरा पीआरएल के बारे में बता दें कि इसको बाइंग करनी चाहिए यहाँ पे कि नहीं। सर मैंने आपको लिस्ट शेयर की हुई है, वो बाइंग जोन के करीब करीब जो भी स्टॉक है बस ले लें, उसका पूछा ना करें, बस वो चुप करके ले लिया करें, और बिल्कुल आपने इसको 3-6 महीने छेड़ना नहीं है फिर इसको। और ये कैपको मैंने सही लिया है 3690 के ऊपर। सर आपको 3600 रुपए में मुफ्त में मिल गया, ये 90 रुपए का स्टॉक है, 3600 रुपए में आपको मिल गया, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें ये। अच्छा थैंक यू काजी साहब, थैंक यू जी। जी फियाज साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर, आप बोले कुछ, आपको वेलकम भी करता हूँ मैं जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। अच्छा मैं तो अभी तो बकौल आपके दुकान ही खोली हुई है 12 स्टॉक थोड़ी सी अमाउंट में, बहरहाल मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा बस ये एक क्वेश्चन है, ये जो कंपनी है, एक मिनट जरा, निशाद चूनिया, इसमें आगे XDR है, तो ये जो अभी हम बाइंग कर रहे हैं तो ये XD से इसको कोई नीचे तो नहीं चला जाएगा इसकी वैल्यू? सर कोई नहीं जाएगी, एक्स डिविडेंड वो हो गया होगा, अगर एक्स आ गया तो वो बस नीचे हो गया, आप मजीद नीचे नहीं जाएगा इसके साथ, तो मैंने नहीं देखा XD कोई और होगा स्टॉक, वो NCL के आगे लिखा हुआ है ना XD XD बस वो, तो अब जो नीचे आ रहा था वो नीचे हो गया, मजीद नीचे नहीं होगा फिर ये। अच्छा अच्छा ये जो अभी इसकी वैल्यू चल रही है यही है मार्केट वैल्यू? जी जी बिल्कुल जी। चलें शुक्रिया जी। जी चलें लास्ट हमारे पास 2.5 मिनट है जी। इदरीस भाई आपको अनम्यूट करो मैं। सर मुझे तो कोई ज्यादा बात नहीं कहनी है, सिर्फ ये कहना था कि हमारे सारे भाई जो है स्टॉक खरीद रहे हैं, जरूर खरीदे, लेकिन ये कम से कम आपसे बेचने का तरीका जरूर सीख लें कि इन्हें बेचना कहाँ पर है, क्योंकि आप वो टाइम मुझे तो करीब लगता है, मेरी मतलब इनको एडवाइस नहीं है कि ये बेचें, लेकिन ये इन्हें मालूम होना चाहिए कि जिस टाइम पे ये बेचने के लिए जाएं तो ऐसा ना हो कि ये स्टक हो जाएं, तो ये लोग जो है ना पहले से रेडी रहें। और कल भी शायद मैंने ये कहा था कि देखो टेक्सटाइल सेक्टर नहीं चला, आज टेक्सटाइल सेक्टर चला जी। अमरेली स्टील काफी दिन से रुका हुआ था, अब आज वो भी चल गया जी। इसी तरह मेपल भी चल गया,
तो ये बस यहाँ पर ये पिक कर लें, देखते रहें कि कौन कौन से स्टॉक रुके हुए हैं। जैसा कि गनी गिलास चला है तो एक TGL भी है, आज उसके अंदर मूवमेंट शुरू हुई थी, लेकिन जाहिर है ओवरऑल ग्लास सारी नीचे आ गए, तो इस तरह बस ये पिक एंड चॉइस करते रहें तो ये बचे रहेंगे। बाकी इससे ज्यादा मैं जो कुछ नहीं कहना। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल ये है कि कोशिश करें जो भी स्टॉक्स आपको दिए हुए आगे उनके टारगेट्स लिखे हुए, जब ये लॉन्ग टर्म टारगेट्स के करीब पहुंचे तो लाजमी पूछे कि आप इनको बेचे या ना बेचे, आपको फायदा होगा ये। जी जुबैर अली साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ये अस्सलाम वालेकुम नबी साहब, खैरियत से? जी जी खैरियत से, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज तो मैं काफी ऑफिस में बिजी था तो मैं देख नहीं सका, अभी जो मैंने एक भाई की आवाज सुनी कि भाई बर्जर चढ़ गया है तो मैंने देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक ही उस शेयर के अंदर तकरीबन 20,000 का प्रॉफिट नजर आ रहा है। अच्छा, ये तो बिल्कुल ही वेरी गुड हो गया। अच्छा मुझे सिर्फ दो चीजें पूछनी थी, इस वक्त ये ऑयल सेक्टर और सीमेंट सेक्टर रुका हुआ है तो इस पे अभी हम लोग होल्ड करें, राइट? हाँ जी जी बिल्कुल, आपने पोजीशन नहीं छोड़नी, ये भी चलेंगे सारे सेक्टर आज तक चलेंगे, लेकिन बारी बारी इनकी बारी आएगी जब चलेंगे ये, क्योंकि काफी अर्से बाद अभी BIPTL भी अभी थोड़ा बहुत चलना शुरू हुआ है जी, तो इसमें भी जब प्रॉफिट आएगा तो फिर इंशाल्लाह इसको भी फिर हम लोग फारिग हो जाएंगे इसमें। RBI BTL का रिप्लेस कर लें ज्यादा अच्छी बात है, वो थोड़ा टाइम लगाएगा ऊपर चढ़ने में, तो फिलहाल वक्त ही रिप्लेस करें, बाद में बेशक ले लीजिएगा इसको। चलिए ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यहाँ पर जो है टाइम तकरीबन एक मिनट से कम है, मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो कोशिश क्या करें जी, जिसका भी क्वेश्चन है वो जूम सेशन में आ जाए, आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। अगर यहाँ पर ना हुआ तो आप ग्रुप के अंदर मैसेज कर दें इसी दौरान, तो आपके जो है वो सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा, बजाय इसके कि पूरा दिन आप मुझे मैसेज करते रहें। जी यहाँ पर कुछ हमारे ग्रुप मेंबर्स ने जो है क्वेश्चन पूछे हुए, मैं उनका आंसर जो है वो देता चलूँ। सबसे पहले असलम साहब ने पूछा है इस्लामाबाद से, FFL का जो है TP यानी टेक प्रॉफिट बता दें, कहाँ पर हम प्रॉफिट बुक करें? सर FFL आपने बताया कि आपने किस रेट पर लिया हुआ है, बहरहाल जो है इसको कम से कम 20 रुपए के राउंड अबाउट जो है इसके लाजमी, इसके अंदर लाजमी प्रॉफिट टेकिंग आपने करनी है अगर आपने नीचे लिया हुआ ये। जी अशरफ साहब कह रहे हैं सिल्क और पेस सर दोनों ही तकरीबन बेकार कंपनीज हैं, डिफॉल्टर्स भी हैं ये, तो फिलहाल मैं आपको इनके इनसे निकलने का ही मशवरा दूंगा, अगर आप अगर निकल सकते हैं तो इनके अंदर से निकल आइए। ATRL की कोई अपडेट सर? ATRL मैंने आपको लिस्ट में आपको बताया हुआ है जिस रेंज में ये आता है बाइंग या सेल में जो है वो लाजमी आपने इसको फॉलो करना है ये। अश्किल साहब कह रहे हैं सर अल शहीद की जो राइट शेयर मिले हैं इनको बाय या सेल किस तरह करते हैं? जी हो सकता है कल या परसों वो अल शहीद के जो स्टॉक है वो ट्रेड होना शुरू हो जाएंगे, तो जो जब ट्रेडिंग होगी तो आप उसके अंदर जो है ना बाय भी कर सकेंगे सेल भी कर सकेंगे ये। अब बकर साहब कह रहे हैं जूम का लिंक नहीं आया सर, ग्रुप के अंदर आया हुआ, अगर आप गौर से देखें तो आपको नजर आ जाएगा। अयाज साहब कह रहे हैं अगर कोई लिस्टेड कंपनी अपना बिजनेस क्लोज करती है तो वो शेयर होल्डर्स को करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से पे करती है या कोई और रूल है? जी कोई लिस्टेड कंपनी जब कोई क्लोज करेगी तो पहले अपने प्रीफरेंशियल शेयर होल्डर्स को वो पैसा देगी, फिर अगर उस पर कर्जा है उनको देगी, और फिर अगर उसके पास पैसे बचे तो आप लोगों को देगी। कोशिश करें ऐसी डिफॉल्टर कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, ऐसे में आपका पैसा सारा डूब जाएगा ये। अनवर अली खान साहब पूछ रहे हैं जी सर प्लीज़ अटक रिफाइनरी के बारे में बता दें। सर अटक रिफाइनरी का मैंने आपको बाइंग जोन भी बताया हुआ है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस सब कुछ बताया हुआ है, काइंडली उसको जो है आप फॉलो करेंगे। अब मुजफ्फर साहब हैं DI खान से, आई थिंक काजी साहब कैपको 3690 पर बाई किया हुआ है, गाइड कर दें। मुजफ्फर भाई कैपको के मैंने टारगेट्स आपको बताए हुए हैं, आपने इसको तिजोरी में बंद करके कैपको को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना ये, इसको बेचना नहीं है ना इस पर पैनिक होना, ये बस होल्ड रख रहा है इसको ये। जी इशफाक साहब हैं जी हम नेटवर्क को 12 जनवरी को स्टॉप लॉस के साथ अगर ट्रायल करता गया, आज सुबह से ही AKD का सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम चल रहा था तो हम नेटवर्क काफ़ी नीचे आ गया। सर हम नेटवर्क अभी तक आपने बेचा नहीं है तो इसको होल्ड रखें, इंशाल्लाह ये 12 तक इसके जाने के बहुत चांस है, सब्र करें, इंशाल्लाह सब्र का फल आपको जो है वो मीठा मिलेगा ये। जी अशरफ साहब पूछ रहे हैं कि जी अशरफ साहब है KHTC की रेजिस्टेंस क्या है? अशरफ भाई इसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा KH, अगर ये मेरे पास ओपन हो जाए तो मैं इसको देख लेता हूँ। जी खैबर टोबैको ये नहीं आपने बताया कि आपने किस रेट पर इसको लिया हुआ है, 554 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है, आज इसको ऊपर लॉक लगा। जी अभी तकरीबन फिलहाल करीब करीब जो है मुझे इसकी रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर रेजिस्टेंस दिए तकरीबन अपने 6 महीने हाई पर ये ट्रेड करा है, और अगर इसका मैं साल का देख लूँ
तो ये तकरीबन पिछले पूरे साल का तकरीबन हाई पर ही जा रहा है ये, तो फिलहाल इसकी रेजिस्टेंस, फिलहाल रास्ता तकरीबन इसका साफ है। बहरहाल जब ये 500 रुपए से नीचे क्लोज हो तो आप इसको जो है वो बेच देंगे। जी मुनीम साहब कह रहे थे प्लीज गाइड इफ आई शुड बाय PIBTL, आल्सो प्लीज गाइड अबाउट सिस्टम बॉट एट 282 शुड आई होल्ड। जी सिस्टम को फिलहाल होल्ड रखें, अभी जब तक ये ऊपर जा रहा है, जब तक ये 400 रुपए से नीचे नहीं आता आपने इसको बेचना नहीं है। और PIBTL सर मैंने जो इतनी लंबी लिस्ट दी भैया, कोशिश करें उन्हीं के अंदर अगर कोई आपको स्टॉक मिलता है तो वो ले लें। PIBTL 12-13 रुपए की जोन में, बिल्कुल बाइंग जोन में ये आप इसको ले सकते हैं, लेकिन आपने इसको होल्ड रखना है तो ये 17-18 में जाएगा, लेकिन कम अज कम साल आपने सब्र करना है। ये शाहिद साहब का क्वेरी है सर, स्टॉप लॉस सेल लोअर लॉक अमाउंट पर लगा दे तो लोअर लॉक पर तो ट्रेड स्टॉप नहीं हो जाती। जी ट्रेड स्टॉप नहीं होती, बस लोग नीचे जो है ना लोअर लॉक पर भी लेने के ख्वाहिशमंद होते हैं, तो अगर आप स्टॉप लॉस लोअर लॉक पर लगाएंगे तो कोई ना कोई बायर वहां पर आपको मिल जाएगा। ये मुर्तजा साहब कह रहे हैं कहना यू हैव द पासवर्ड। जी पासवर्ड शासवर्ड कोई नहीं, हमने रखा ओपन लिंक होता है हमारे ग्रुप मेंबर्स के लिए, जूम का लिंक बिल्कुल ओपन होता है, क्लिक करेंगे साथ ही आप मेरे साथ लाइव हो जाएंगे। ये जी इसके बाद अब्दुल जब्बार साहब है, एज फोर डेज बैक मरवल साहब रिकमेंडेड INIL शेयर व्हेन शेयर वाज 180, ही आल्सो आस्क्ड व्हेन दिस शेयर टच 210, नाउ शेयर रीच एट 208, काइंडली गाइड वेदर। सर मरवल साहब ने गाइड किया हुआ है, काइंडली आप उन्हीं से पूछें, वो आपको बेहतर, मेरे से भी बेहतर आपको गाइड करेंगे। ये जी ईशा मोहम्मद साहब आपका गेटअप का जवाब मैंने दे दिया, आप उधर से सुन लीजिएगा। मुनीर साहब है लकी 603 पर बाई किया हुआ, जी लकी को आपने होल्ड रखना है जब तक ये 700 से ऊपर है, आपको इसकी टेंशन ना ले, जब ये 700 रुपए से नीचे आए तो फिर आप बेशक इसको बेच देंगे। आरिफ साहब कह रहे हैं जी यार आज एक्स हो गया है 55% राइट पर, कल कितने पर खुलेगा? सर कल जब इसको खोलेंगे तो आप भी देख लीजिएगा, मैं भी देख लूंगा, इंशाल्लाह हमारी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, कल हम सब्र करते हैं, देखते हैं कितने पर ये खुलता है। जी डॉक्टर साजिद साहब कह रहे हैं यूनिटी फूड 3 month फ्यूचर। डॉक्टर साहब सर मैंने इतनी लंबी लिस्ट आपको दी हुई है, कोशिश करें वही स्टॉक लें, आपको इसका मैं फ्यूचर भी बता दूंगा, यूनिटी का फिलहाल टेक्निकल स्टडी के बगैर मैं फ्यूचर नहीं बता सकता। फैसल साहब है कि SSA आई बॉट बर्जर 90, जी आई एस एम फ्री कैश अवेलेबल। सर जब फ्री कैश थी तो उसी टाइम बर्जर और ले लेते, आपको बहुत फ़ायदा हो जाता। बहरहाल अगर ये दोबारा 100 से नीचे आ जाए तो फिर आप मजीद इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। ये जी शाह साहब पूछ रहे GHN क्यों रुक गया सर, गनी ग्लास को ये सॉरी गंदारा को सर आप इसको निकाल ही दें तो बेहतर है, जहाँ पर भी बराबर में आता है, आप क्यों इसकी इतनी टेंशन ले रहे हैं, इतने दिनों से ही आपको फंसाया हुआ है इसने। जी नसीम साहब कह रहे हैं इंट्री वाज लेट इन गेटम, जी इंट्री लेट की आपने, बहरहाल शॉर्ट टर्म को ये अचीव किया, इसको बेचना नहीं है, ये भी आपने जो लेवल लिखा हुआ है बिल्कुल सही है, इसको बिल्कुल होल्ड रखना है। डॉक्टर अबीर साहब कह रहे हैं मे आई नो योर ओपिनियन अबाउट DOL। डॉक्टर साहब इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट मैंने आपको दी हुई है, आप DOL क्यों लेना चाह रहे हैं? ये बहरहाल स्टॉक ये अच्छा है, अभी मेरा ख्याल है ये 36-37 के करीब करीब जो है ये मूव कर रहा है, आप मजीद भी इसको देख लेते हैं। डेस्कॉन ऑक्सी केमिकल आपकी जो है ये जी DOL जो है डेस्कॉन ऑक्सी केमिकल लिमिटेड ऑक्सीजन की ये कंपनी है, इसका रेट है 36.76 रुपये। जब तक ये तकरीबन 40 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता इसने यहीं पर ही रुके रहना, ये अपने बाइंग एक्युमुलेशन पर है, लेकिन जब ये 35 रुपये से नीचे क्लोजिंग दे तो फिर आपने इसको रखना नहीं है, इसको फिर आपने जो है वो आप बेच देना ये। जी इसके बाद जो है नफीस साहब, इसके बाद जी अली हैदर साहब पूछ रहे हैं कैन आई बाय फॉलोइंग स्टार एट दिस रेंज कैपको 38। सर कैपको मैं आप उसको कहता रहा हूँ ले, जब ये 32-34 का था हमारे मेम्बर्स ने लिया हुआ है तो बहरहाल आप थोड़ा लेट हो गया, अगर नीचे आता है 38-37 पर आता है तो दोबारा ले सकते हैं ये। ILP सर मैंने इसका भी बाइंग जोन बताया हुआ है, अमरेली का भी बाइंग जोन बताया हुआ है सर, अमरेली 47 पर बेशक इसको ले रहे बेहतर है अगर नीचे आता है, तो ILP थोड़ा सा ऊपर निकल गया है, जो कोशिश करें जो बाइंग जोन से निकल के आप उनको छोड़ें, जो नए स्टॉक आएंगे उनमें आप लें। जी नफीस साहब कह रहे हैं Avancion इज अनाउंसिंग IPOs ऑफ इट्स न्यू सब्सिडरी नेक्स्ट मंथ, जी अगर करेगा तो इंशाल्लाह हमें भी खुशी होगी। जी मैडम पूछ रही है प्लीज़ मेक अ वीडियो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जी मैडम आप रोज़ कोई ना कोई फरमाइश करती हैं कि स्टॉक को पहले सेट किए जाएँ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए, आज पोर्टफोलियो मैडम से मेरे पास एक संडे का दिन होता है उसमें एक ही वीडियो बन सकती है, तो मैं कोशिश करूँगा कि किस टॉपिक पर भी वीडियो बने, इंशाल्लाह सारे टॉपिक्स हैं मेरी नज़र में, बहरहाल जो है आहिस्ता आहिस्ता वीडियो बनेगी, अगर तो मुझे छुट्टियाँ होगी फिर तो चले होगा, अभी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं इसलिए काम का बोझ बहुत ज़्यादा ही है।
आजम साहब कह रहे हैं काइंडली टेल अबाउट यूनिटी आई परचेज जी। आजम साहब यूनिटी आपने सोच समझ कर ही लिया होगा, बहरहाल इसको होल्ड रखे, आगे फ्यूचर इसका अच्छा ही है। जी अमजद साहब है रियाज से, ये पूछ रहे हैं बर्जर का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जी अमजद भाई बर्जर की कोई टेंशन ना ले, अभी ये ऊपर चला गया, अब ये ऊपर 100 रुपये से ऊपर काफ़ी देर ये मौजूद रहेगा इंशाल्लाह, और फिर यहाँ से फिर आगे परवाज 121 तक जाएगा, फिर यहाँ पर रुकेगा और फिर ऐसा ऐसा जाता जाएगा, आपने इसकी पोजिशन नहीं छोड़नी है। जी शुएब साहब पूछ रहे हैं FM JFP JM 37 की बाइंग है, प्लीज़ गाइड कर दें। सर ये नए स्टॉक जो है ये आप क्यों लेते हैं जब आपको इतने अच्छे स्टॉक रिकमेंड किए हुए, इसको मैं चेक कर लूँ FP और JM। जी ये फर्स्ट पंजाब मुदारबा बन रहा है और इसका रेट चल रहा है जी 2.68 रुपये। सर फिर यही है कि सब्र करें इसको, जब ये सीधा हो जाता है यानी कि आपके रेट के करीब आएगा तो फिर आप इसको बेच दीजिएगा, फिलहाल आप इसको बर्दाश्त ही करें। और मैं आपको क्या इसका मशवरा दूँ, लॉस बुक करने का फिलहाल मैं आपको नहीं मशवरा दे रहा, फिर आपने लिया हुआ है तो इसको आप बर्दाश्त करेंगे। जी इसके अलावा अवकाश साहब कह रहे हैं माइक इज़ नॉट वर्किंग। जी अवकाश भाई नया माइक ले लें अगर आपका जो है ये काम नहीं कर रहा। जी आपने कहा ILP की कोई अनाउंसमेंट थी, जी ILP मैंने रिकमेंड किया हुआ था, इंटरलो भी आप थोड़ा सा ऊपर निकल गया, बल्कि इसने तो शॉर्ट टर्म टारगेट्स को भी अचीव कर लिया है, तो बहरहाल जो है ये आप जो है ना फिलहाल बाइंग जोन में जब आए तो आप इसको ले लें, अदरवाइज जो है आप इसको जो है अवॉइड करेंगे। ठीक है, ये तो हमारे सारे क्वेश्चन, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने इतने क्वेश्चन पूछे, और मेरा यानी मैंने पूरी कोशिश की आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। एक दफा फिर जो है खासतौर पर जो हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इसकी दो ऑप्शन है। नंबर वन ऑप्शन ये है कि आप जूम मीटिंग में आ जाएं, हैंड रेस जो है ना आप सीख लें यूट्यूब में, हैंड रेस करें अपना जो है वो नीचे से हैंड रेस होता है मोर के ऑप्शन से, आपका क्वेश्चन जूम में लिया जाएगा। अगर जूम में आप क्वेश्चन आपका नहीं मैं ले सका या टाइम कम होता है तो आप इसी दौरान ग्रुप के अंदर क्वेश्चन करेंगे तो मैं आखिर में जो है वो वीडियो के आखिर में आपको जवाब दे दूंगा, और जब ये यूट्यूब पर अपलोड होगी तो आप उसका आंसर देख सकते हैं। ये तरीका है आपके सवालों का जवाब देने की। अगर आप इसके अलावा दिन के किसी टाइम आप मैसेज करेंगे तो मैं या तो फारिग नहीं होता या मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारा दिन आपके मैसेज को चेक करता रहूं। मेरे अपनी भी पर्सनल जो है वो जिंदगी है, मसरूफियात है, टेक्निकल एनालिसिस है, मेरे और भी 50,000 काम होते हैं। कोशिश करें कि जब भी कोई क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन आपने जूम मीटिंग के दौरान चाहे लाइव आके करें चाहे ग्रुप के अंदर करें तो उसमें मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, और वो भी आपने ऑडियो मैसेज नहीं करना, रिटन मैसेज करना है। तो काइंडली आप कोशिश करें कि मेरे साथ कोऑपरेट करें, तावन करेंगे, मुझे रिलैक्स करेंगे तो मैं आपके लिए अच्छे से स्टॉक्स स्टडी करूंगा। अगर सारा दिन आप मुझे मैसेजेस करते रहेंगे तो आप सिर्फ अकेले नहीं है मेरे लिए, आप लोग कम से कम 300 बंदे हैं जो मेरे ग्रुप के अंदर शामिल है, तो जब 300 बंदे मुझे पूरा दिन मैसेज करते रहेंगे तो फिर मजबूरन मुझे अपना मोबाइल जो है वो अनम्यूट करके साइड पर करना पड़ेगा कि मैं इतने लोगों के मैसेज का जवाब नहीं दे सकता। ये मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी अपने काम होते हैं। बहरहाल आप कोशिश करें कोई बहुत ही अर्जेंट आपका कोई मैसेज है, बहुत ही ज़रूरी है, तो फिर आप रिटर्न मैसेज करें, ऑडियो भी ना करें। ऑडियो आप पहले तमीद बांधते हैं, डेढ़ डेढ़ दो दो मिनट की आपकी तमीद होती है, फिर आपका असल सवाल 2 मिनट के बाद शुरू होता है या बीच में कहीं शुरू होता है। कोशिश करें जो भी आपका सवाल हो आप मुख्तसर रिटर्न के भी दो ऑप्शन है, चाहे प्योर इंग्लिश में लिखें जो इंग्लिश है प्योर हमारी ग्रामेटिकली इंग्लिश, या उर्दू फॉन्ट आपने मोबाइल में डाला हुआ है तो उर्दू फॉन्ट में डालें। अंग्रेजी को त्रोड़ मरोड़ कर आप उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं वो ना समझ आती है ना मैं पढ़ने में भी इतना मुश्किल होता है। मेहरबानी करें आप पढ़े लिखे बंदे हैं, थोड़े से जो है अपने आप को जो है वो डिसेंट करें। अभी इंग्लिश वाली उर्दू जो है इसको ख़त्म करें, प्योर इंग्लिश में या प्योर उर्दू जबान में आप मुझसे क्वेश्चन करें और रिटर्न क्वेश्चन करें। ऑडियो मैंने कोई नहीं किसी का जवाब देना, ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आपकी ऑडियो सुनता रहूँ, 2-3 मिनट में आपकी कहानियां मैं नहीं सुन सकता। जो मेंबरशिप फीस है उसमें मैंने आपको इतने स्टॉक जो बताए हैं यही बहुत है, आप उसके अंदर काम करें, जो स्टॉक आपके साथ शेयर किए गए आप उन्हीं के अंदर बाइंग करें। अगर वो स्टॉक बाइंग से निकल गए हैं उनको छोड़ दें, जो बाइंग में मौजूद है उनके अंदर आप बाइंग करें। मजीद स्टॉक आपको बताए जाएंगे फ्यूचर में कौन कौन से नए स्टॉक हैं बाइंग जोन में, आप उसका थोड़ा सा इंतजार करेंगे। ठीक है, अगर बाइंग के अलावा आपने कोई और स्टॉक लिए हुए वो आपने खुद से लिए हुए तो आप उनका फैसला कोशिश करें खुद ही करें। आप वो सारे लॉस में आपके बाकी स्टॉक आप उनका मैं क्या कर सकता हूँ, ये या तो वो लॉस बुक करें और मेरे वाले स्टॉक ले लें, अगर मेरे वाले स्टॉक आपको तक करें फिर आप तो मुझसे गिला कर सकते हैं। ये ठीक हो गया, ये
जी फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और यहाँ पर मैं जूम मीटिंग को जो है वो एंड करने जा रहा हूँ, कल इंशाल्लाह नई इसी टाइम 9 बजे के करीब आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।